नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। सोशल मीडिया पर पूजा के दौरान झाड़ू के टोटके के बारे में खूब लिखा जाता है, लेकिन अगर आप इन टोटकों को मान लेते हैं तो आपका भाग्य बनने की जगह बिगड़ जाएगा। विश्वास नहीं होता तो हमारा तथ्य देख लीजिए। दरअसल नवरात्रि के दौरान 10 दिन काफी शुभ माने जाते हैं और हर कोई पूजा पाठ करके माँ शक्ति से अपने भाग्य को बदलने की प्रार्थना करता है, लेकिन कभी कभी गलत लोगों की बातों में आकर गलती भी कर बैठते हैं। दरअसल झाड़ू को लेकर कोई भी शुभ टोटका हो ही नहीं सकता। झाड़ू को हिंदू धर्म शास्त्रों में दरिद्रता की निशानी मानी जाती है और झाड़ू से हमेशा घर की गंदगी दूर की जाती है। और तो और, लोगों के पैर अगर झाड़ू में लग जाएं तो उसे भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप झाड़ू के टोटके को शुभ काम के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको माता रानी ही बचाए। आप शुद्ध मन से पूजा करें और शुभ चीजों के ही टोटके अपनाएं। लाइफस्टाइल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल स्काई।